नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसे आज हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, मैं हूँ राजेश सिंगला और मैं आपका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी थी और बताया था कि कैसे आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मॉडल को इम्प्लीमेंट करके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो स्क्रीन पर दिए हुए लिंक के ज़रिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मेन प्रिंसिपल और ये कैसे काम करती है। हम ये भी देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की हिस्ट्री और फेमस इन्वेस्टर्स को, वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स जिसमें हम मार्केट साइकिल और मार्केट कैटलिस्ट को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वॉरेन बफे के हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट को कैसे परखा जाए, कैसे हम इससे स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी की रेशोस कंसीडर करनी चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। हम देखेंगे वैल्यूएशन इंडिकेटर्स को भी, कैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग से सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं और इसे कंपेयर कर सकते हैं एक ही सेक्टर की सारी कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए। इससे हमें साफ पता चलेगा कि कौन सी कंपनीज चीप हैं और कौन सी एक्सपेंसिव। एंड में हम ये भी देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आम गलतियां क्या होती हैं और इन्हें कैसे अवॉइड किया जाए और कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने आज तक वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल पर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए यस, अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखिए नो। आप हमें ये भी बताइए कि आपने अभी तक किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है और किन लेवल्स पर। आई एम जस्ट क्यूरियस, मैं आपके आंसर्स का कमेंट्स में बेसब्री से इंतजार करूंगा। दोस्तों, अब देखते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग आखिर है क्या। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी फेयर वैल्यू से डिस्काउंट में मिल रहे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जब वो स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर आ जाते हैं या उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उन्हें हम सेल कर देते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं बेंजामिन ग्राहम के टाइम के वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को। डेविड डॉड और ग्राहम ने अपनी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में वैल्यू इन्वेस्टिंग के तीन की प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि किसी भी शेयर की ट्रू वैल्यू या फेयर वैल्यू को प्रेजेंट करता है, जो उस स्टॉक की अर्निंग्स, असेट्स और डिविडेंड पर बेसिकली डिपेंड करती है। दूसरा है मार्जिन के बीच के डिफरेंस को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो स्टॉक्स हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है और एक का स्टॉक प्राइस 35 रुपीज है और दूसरे का 80 रुपीज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहली कंपनी में ज्यादा है और वो आने वाले टाइम में ज्यादा रिटर्न्स देगी। थर्ड प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क को बेटर मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस में ग्राहम और डोड ने डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दी, यानी एक टाइम पर एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन पर जोर दिया, जिसमें कि एक पोर्टफोलियो में 10-20 स्टॉक्स ही रखने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी रिटर्न्स कम होते हैं। दोस्तों, 1920s में स्टॉक मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे और कंपनीज की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट्स को ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करते थे और इसलिए मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक थे जो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहे होते थे। लिक्विडिटी भी कम होती थी और इसी की वजह से स्टॉक अपने आइडियल प्राइसेस से अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर अवेलेबल होते थे। ग्राहम ने इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल में चेंजेस किए और 1949 में एक नई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पब्लिश की, जिसमें उन्होंने रीडर्स को ये एडवाइस किया कि स्टॉक की बुक वैल्यू को कंसीडर करें इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। आज भी 71 ईयर्स के बाद ये बुक बाइबल ऑफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। उनके अनुसार अगर किसी स्टॉक की बुक वैल्यू
₹50 है और स्टॉक अभी मार्केट में ₹10 पर अवेलेबल है तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ मार्केट एफिशिएंट होती जाएगी और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के पास आता जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा। उनका ये मानना था कि एडवर्स सिनेरियो में अगर कंपनी बैंकक्रप्ट यानी बिक भी गई तो भी कंपनी अपने असेट्स को बेचकर बुक वैल्यू जितना मार्जिन निकाल पाएगी और इससे तब भी इन्वेस्टर को फायदा होगा। इस तरह के इन्वेस्टिंग स्टाइल को सिगार बट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। यहाँ तक कि वॉरेन बफे ने भी अपने अर्ली डेज में इस इन्वेस्टिंग स्टाइल को यूज किया था। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि जब कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू का 85% पर आ जाए तो उसे सेल कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम रह जाता है। लेकिन दोस्तों, ये आज से 100 साल पहले की बात है, जब लोग शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे और मार्केट में काफ़ी शेयर्स अंडर वैल्यूड हुआ करते थे और स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल थे। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट एफिशिएंट बनती गई, मार्केट में स्टॉक की प्राइस डिस्कवरी और अच्छी होती चली गई और ऐसे स्टॉक्स जो बुक वैल्यू से कम पर अवेलेबल हों कम होते चले गए। साथ में ही बुक वैल्यू भी हर साल कंपनी के असेट्स के बढ़ने या कम होने से चेंज होती है, जिसके बाद ग्राहम ने कुछ सालों के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कंपनी की अर्निंग्स और ग्रोथ को कंसीडर करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्राहम ने अपना एक फॉर्मूला भी दिया, जिसको ग्राहम नंबर भी बोला जाता है और जिसकी मदद से हम कंपनी के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी ग्राहम नंबर को निकालना भी सिखाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क कैसे करती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की वर्किंग काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हमें किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू पता है और अगर वो चीज़ हमें ट्रू वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पर मिले और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले टाइम में हमें उससे ज़रूर फायदा होगा। वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनको मार्केट ने किसी न्यूज़ या किसी भी और कारण से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू कर दिया हो और असल में उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट प्राइस से ज़्यादा हो। इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ हम चाहें तो स्टॉक को उसके पीयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसकी वैल्यूएशन का पता चल सके। वैल्यू इन्वेस्टिंग की खास बात ये है दोस्तों कि इसके प्रिंसिपल्स केवल स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, बॉन्ड ऐसी मार्केट्स में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। किसी भी मार्केट में वैल्यू को गॉज करना आसान नहीं होता, लेकिन हम इससे रियल एस्टेट की एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। रियल एस्टेट में प्राइजेस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, सोच कर बताइए। हाँ दोस्तों, ये लोकेशन पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादा होंगे और अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो प्राइसेस कम होंगे। इसी वजह से मेट्रो सिटीज़ की रियल एस्टेट के प्राइसेस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कुछ फेमस वैल्यू इन्वेस्टर्स को। अगर हम वैल्यू इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जुबान पर नाम वॉरेन बफे का आता है। वॉरेन बफे ने 1951 में बेंजामिन ग्राहम के अंडर वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी और उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को मार्केट में अप्लाई करके आज अपने लिए एक फॉर्चून कमाया है। वॉरेन बफे वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन हैं। उनका नेटवर्थ $67.5 बिलियन का है, यानी कि ऑलमोस्ट 4,80,000 crore रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 4,80,000 crore रुपीस। उनकी कंपनी बक्शा हैथवे 60 से भी ज्यादा कंपनीज को कंप्लीटली ओन करती है। दूसरे वैल्यू इन्वेस्टर माइकल ली चिन हैं। माइकल ली चिन जो कि कनाडा के एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंशियल सेक्टर में 26 इयर्स की एज में एज अ म्यूचुअल फंड सेल्स पर्सन स्टार्ट की थी। इसी समय के दौरान उन्होंने वेल्दी इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी को स्टडी किया
और अपनी खुद की एक वैल्यू इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी को डेवलप किया। उन्होंने अपने ऑलमोस्ट 0.5 मिलियन डॉलर्स को एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 4 साल बाद जब वो स्टॉक की कीमत 7 times बढ़ गई तो उन्होंने उस स्टॉक को सेल कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट से हुए प्रॉफिट की मदद से उन्होंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को टेक ओवर किया और उसका AUM 800,000 डॉलर से बढ़ाकर कुछ सालों के बाद उन्होंने उसको 50 billion dollars तक पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने उस कंपनी को भी बेच दिया। आज उनका नेटवर्थ 1.6 billion dollars यानी कि लगभग 11,500 crore रुपीस का है। दोस्तों, तीसरा नाम वैल्यू इन्वेस्टर में मनीष पबराई का है, जो कि एक इंडियन है। 1999 में मनीष पबराई ने अपने IT बिजनेस को 20 मिलियन डॉलर्स में सेल कर दिया और उन्होंने उस फंड से पबराई इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत की, जो कि टोटली वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। मनीष पबराई वॉरेन बफे के एक बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने एक बार वॉरेन बफे के साथ लंच करने के लिए $650,000 पे किए थे। पबराई इन्वेस्टमेंट ने 2000 से 2018 के बीच में अपने इन्वेस्टर्स को 900% का रिटर्न जनरेट कर दिया है, जिससे उनके पास आज ऑलमोस्ट 675 million dollars के असेट्स अंडर मैनेजमेंट है। मनीष पबराई का ये मानना है कि वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जिसमें उनको 10-15% अंडर वैल्यूएशन मिले। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऐसे स्टॉक्स को पिक करने की है जिसमें आने वाले समय में वो कम से कम 5-10 times रिटर्न बना सकें और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम शुरू करते हैं मार्केट साइकिल से। स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस कभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा, जिसे हम एक साइकिल की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, हमें जब मार्केट अंडरशूट हो जाए तो बाय करना है और जब मार्केट ओवरशूट हो जाए तब सेल। मार्केट साइकिल के बेहद ही फेमस गुरु हार्वर्ड मार्क्स हैं, जो कि OKT कैपिटल के co-founder और चेयरमैन हैं। हार्वर्ड मार्केट साइकिल्स को एक पेंडुलम की तरह समझते हैं। जैसे पेंडुलम का बॉब कभी फार राइट को जाता है तो कभी फार लेफ्ट, सेम वे में मार्केट में कभी हाई पेसिमिज्म होता है तो कभी हाई ऑप्टिमिज्म। उनका ये मानना है कि मार्केट बेहद लंबे समय तक इरेशनल रह सकते हैं। ये किसी भी इन्वेस्टर के सॉल्वेंट रहने की क्षमता से भी ज़्यादा है। मार्केट के साइकिल्स का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है और मार्केट साइकिल्स की ड्यूरेशन को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। आपको नहीं पता कि कब स्टॉक मार्केट की डिस्काउंट सेल खत्म हो जाएगी। ये Amazon, Flipkart की सेल से डिफरेंट है, जहां हमें पता रहता है कि सेल अगले 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसी रीज़न से आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बना सकते हैं। मार्केट साइकिल में हर 10 years में एक बूम और एक बस्ट टाइम आता है। आपको बस्ट टाइम में इन्वेस्ट करना है और बूम टाइम में सेल, जो कि जितना सुनने में सिंपल लगता है, इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही डिफिकल्ट है। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट का है। जब भी मार्केट अपनी साइकिल के एक एंड से दूसरी एंड तक आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जिसे हम कैटलिस्ट या ट्रिगर भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट के पॉसिबल कैटलिस्ट, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा, कोरोना वायरस है। ब्रॉडली हम कैटलिस्ट को 2 categories में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रोस। मैक्रो जिनमें इकोनॉमिक चेंजेस जैसे रेगुलेटरी चेंजेस, सेक्टोरल साइकिल्स और करेंसी डिप्रिसिएशन आती है। माइक्रो जिनमें कंपनी स्पेसिफिक चेंजेस ही इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट चेंजेस, मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स या फिर न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। जब भी मार्केट्स ओवरशूट करती हैं तो मार्केट्स को पुलबैक के लिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट चाहिए होता है, और जब भी मार्केट्स अंडरशूट करती हैं तो उसे एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए बढ़ने के लिए। ह्यूमन इमोशन सबसे बड़ी रुकावट है स्टॉक्स को बाय करने में। जब एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ट्रिगर हो गया हो और स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे हों। दोस्तों, अब देखते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट मार्केट सेंटीमेंट्स को।
हमने ये तो देख लिया कि मार्केट एक साइकिल की फॉर्म में चलती है और इस साइकिल को चलाते रहने के लिए मार्केट को टाइम टू टाइम ट्रिगर्स की नीड होती है। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि मार्केट का अभी मूड कैसा है, क्या मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक। मार्केट की साइकिल का पता लगाने के लिए बेस्ट वेज हैं कि हम हमेशा एक्सट्रीम्स के लिए ध्यान दें। एक्सट्रीम्स हमेशा अनसस्टेनेबल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। 1994 में कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड इनफ्लोज आए जो कि टोटल 4500 करोड़ रुपीस के थे, और आज की टर्म्स में बात करें तो ये लगभग 27,000 करोड़ रुपीस के हैं, जो कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी। सिमिलरली 2007 में एक अकेले आईपीओ ने 20 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट किए थे, जो कि बाद में मार्केट के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण बना। एक्सट्रीम्स हमें मार्केट कैप की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सिर्फ आईपीओ या न्यू लॉन्चेस में ही मिले। इसे भी एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। टेक बूम के पीक में यानी 2001 के अराउंड इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज का मार्केट कैप एंटायर सीमेंट और स्टील सेक्टर के इक्वल था, यानी एक अकेली कंपनी पूरे सेक्टर से भी बड़ी थी। सिमिलरली 2007 में डीएलएफ का मार्केट कैप एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर से बड़ा था। 2015 में हमें एक्सट्रीम देखने को फिर से मिला, जब सन फार्मा का मार्केट कैप एंटायर मेटल सेक्टर के मार्केट कैप से भी ज्यादा था। मार्केट कैप के एक्सट्रीम के जरिए हमें ये भी पता चल सकता है कि कहीं हम किसी बबल में तो नहीं है, इसका हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों, वॉरेन बफे भी मार्केट कैप को काफी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। वॉरेन बफे का फेवरेट रेशो टोटल मार्केट कैप टू जीडीपी परसेंटेज है, जिससे कि हमें मार्केट की वैल्यूएशन का पता चल सकता है। इसके अनुसार जब भी टोटल मार्केट कैप टू जीडीपी की रेशियो 50% से नीचे हो तो मार्केट सिग्निफिकेंटली अंडरवैल्यूड है। अगर ये रेशियो 50% से 75% के बीच में हो तब मार्केट मॉडेस्टली अंडरवैल्यूड है। अगर ये रेशियो 75% से 90% के बीच में हो तो हम स्टॉक मार्केट को फेयरली वैल्यूड मानेंगे। ये रेशियो अगर 90% से 115% के बीच में हो तो हम स्टॉक मार्केट को मॉडेस्टली ओवरवैल्यूड मानेंगे, और अगर ये रेशियो 115% से भी ज्यादा हो तो हम इसे सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड मानेंगे। दोस्तों, इंडिया की लास्ट 10 ईयर की एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी की रेशियो 78% की थी, जो कि पिछले 2 महीनों में मार्केट की गिरने की वजह से अब कम होकर 58% रह गई है। आप इंटरनेट पर गूगल पर जाकर इंडियन स्टॉक्स की कभी भी मार्केट कैप टू जीडीपी की रेशियो चेक कर सकते हैं। अभी ये वैल्यू 58% पर है, यानी कि हम मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड हैं। ध्यान करिए दोस्तों, इंडिया 90s के डेकेड में हमारी एवरेज वैल्यू 40 के करीब हुआ करती थी, जो बाद में बढ़कर इसकी ऑलमोस्ट डबल हो गई। 2008 के बबल के टाइम पे हमारी वैल्यू 115% से भी ज्यादा की थी। इन वैल्यूएशन पर आपको बहुत सारे लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यूएशन से बेहद ही सस्ते मिलेंगे, बट थोड़ा करेज और पेशेंस चाहिए होगा अच्छे रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि कैसे किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए दो फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में बिजनेस मॉडल, गवर्नेंस और टारगेट मार्केट आती हैं, और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में कैश फ्लो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एनालिसिस को ध्यान में रखना पड़ता है। इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो वैल्यू आती है हम उससे मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं। इसमें सबसे पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दूसरे नंबर पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तीसरे नंबर पर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल और चौथे नंबर पर ग्राहम मॉडल है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल में कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है, जिससे कि फ्यूचर कैश फ्लो की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सके।
जिसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर हम उस स्टॉक की आइडियल प्राइस यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से कंपनी की नेट प्रेजेंट कैश वैल्यू निकालने के लिए हम कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो को एक डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करते हैं। वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग हम इस डिस्काउंट रेट की जगह रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा मॉडल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जिसमें कंपनी का एक्सपेक्टेड डिविडेंड और डिविडेंड ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है। वैल्यू ऑफ स्टॉक को निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर को न्यूमिरेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी में से डिविडेंड की ग्रोथ रेट को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी उस रिटर्न के लिए यूज किया जाता है जो कि आइडियली किसी भी कंपनी को अपने शेयर होल्डर को जनरेट कर देना चाहिए। अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 10% रिटर्न्स एनुअली जनरेट कर दिए हैं तो उस सेक्टर की कंपनी की किसी और कंपनी को भी 10% का रिटर्न करके देना चाहिए। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल यूज करना पड़ता है। हमारा थर्ड मॉडल गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है जो कि अगेन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की ही एक वेरिएशन है। दोस्तों, आपको करंट स्टॉक प्राइस को निकालने के लिए नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड को कॉन्स्टेंट रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट से डिवाइड करना होगा। दोस्तों, बेन ग्राहम फार्मूला के अनुसार किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर को हमें 8.5 प्लस 2G से मल्टीप्लाई करना होगा। 8.5 जो कि प्राइस टू अर्निंग का बेस माना जाता है उन कंपनीज के लिए जिनकी कोई ग्रोथ ना हो। इसमें जी फ्यूचर ग्रोथ रेट को जो कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कंपनी के लिए आएगी। बाद में ग्राहम ने 1962 में अपने फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जिसमें उन्होंने इस इंट्रिंसिक वैल्यू को फर्दर 4.4 डिवाइड बाय वाई से मल्टीप्लाई किया। इसमें 4.4 1962 में यूएसए के 10 ईयर के ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड के यील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 4.4 1962 में यूएसए के 10 ईयर ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर हम इसे इंडिया के लिए अप्लाई करें तो हमें पहले वाली वैल्यू को 8.5 डिवाइड बाय वाई से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 1962 में इंडिया की ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 8.5% की थी और वाई प्रेजेंट ईयर की इंडिया की 10 ईयर की ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड के रिटर्न को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री की अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट और इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड को देखना होगा। ईपीएस और ग्रोथ रेट हमें screener.in से मिल जाएगी। ईपीएस के लिए हमें TTM ईपीएस यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईपीएस को कंसीडर करना होगा जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के टैब से मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्रोथ रेट के लिए हम कंपनी की पिछले 10 ईयर की सेल्स की ग्रोथ रेट को कंसीडर कर सकते हैं। आप इसे पिछले 5 ईयर की ग्रोथ रेट से भी मल्टीप्लाई कर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड यील्ड को निकालने के लिए हमें इंडिया के 10 ईयर ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड के रेट को कंसीडर करना होगा जो कि अभी 6.06% है। इन वैल्यूज को कंसीडर करते हुए हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री की इंट्रिंसिक वैल्यू 739 रुपीज के करीब आ रही है जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफी कम है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम अपने प्री आईपीओ सेगमेंट में देखें तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के काफी पास हैं और उनका फ्यूचर आउटलुक भी काफी स्ट्रांग है। इसमें सबसे पहले मोहन मैकिन है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2019 में
अराउंड 495 रुपीस की थी और स्टॉक प्राइस अराउंड 500 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, जिसके चलते स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ेगी। आज स्टॉक लगभग 650 रुपीस के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट्स के आने के बाद स्टॉक की लेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू भी अराउंड इसी लेवल्स पर आ जाएगी। दूसरी मेरिनो इंडस्ट्री है, जो कि एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अराउंड 1300 रुपीस पर है, जो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है। इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1497 रुपीस की थी। कंपनी की ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी है, जिसके चलते ये इस साल इंट्रिंसिक वैल्यू में और भी अच्छा करेगा और आने वाले टाइम में ये इन्वेस्टर्स को दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे रिटर्न्स देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में कौन सी रेशियोज को हमें कंसीडर करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ ही हमारे लिए कुछ की रेशियोज वैल्यू इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले अर्निंग यील्ड है। अर्निंग यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी की अर्निंग पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी कंपनी का EPS 50 रुपीज है और उसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज का है, तो उसकी अर्निंग यील्ड 50% की होगी। अर्निंग यील्ड देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्निंग यील्ड आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में आपको एनुअली कितनी अर्निंग कमाकर देगी। वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग 12.5% से कम की अर्निंग यील्ड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जिनमें अगर ग्रोथ होगी भी तो स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एज करंट प्राइस उसे पहले ही फैक्टर इन कर चुका है। दूसरे नंबर पर डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए हमें कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड पर शेयर को उसके मार्केट प्राइस से डिवाइड करना होगा। डिविडेंड यील्ड से हमें ये पता चलता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट शेयर में कितनी कम होती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम किसी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस 1000 रुपीस का है और उसकी डिविडेंड पर शेयर 5 रुपीस की है, तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.5% की होगी। जब भी डिविडेंड हमें मिलेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में 1000 रुपीस माइनस 5 रुपीस, मतलब 995 रुपीस की ही रह जाएगी। 1950s में जब लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे तो ये माना जाता था कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी डिविडेंड यील्ड FD रेट से ज्यादा हो। इससे इन्वेस्टर को डिविडेंड के जरिए फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न तो मिलता ही था, साथ ही साथ स्टॉक के प्राइसेस के बढ़ने से उनकी कैपिटल भी अप्रिशिएट होती थी। बाद में विद टाइम कंपनीज ने ये रियलाइज किया कि अगर कंपनी अपने रिजर्व्स में से डिविडेंड पे करने की जगह उस पैसे को बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट कर दे, तो कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे और कंपनी का स्टॉक प्राइसेस और तेज़ी से बढ़ेगा। इसीलिए कई बड़ी कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं कभी भी डिविडेंड नहीं पे करती। इसमें गूगल, अमेजॉन, बर्कशायर हैथवे काफ़ी पॉपुलर कंपनीज हैं। दूसरी तरफ इसमें ऐसी भी कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से डिविडेंड पे कर रही हैं और डिविडेंड भी हर साल ग्रो कर रही हैं। इसमें सबसे पॉपुलर कोका कोला कंपनी है, जिसने पिछले 55 सालों से अपनी डिविडेंड यील्ड हर साल बढ़ाई है। तीसरे नंबर पर प्राइस टू अर्निंग की रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे PE रेशियो भी कहा जाता है, एक ऐसा मेट्रिक है जिसे मोस्टली इन्वेस्टर कंपनी की वैल्यूएशन पता लगाने के लिए यूज करते हैं। PE रेशियो निकालने के लिए हमें कंपनी का स्टॉक प्राइस को उसके EPS से डिवाइड करना होगा। ये अर्निंग यील्ड का बिल्कुल ही उल्टा है। हमें स्टॉक का हमेशा ट्रेलिंग PE देखना चाहिए और साथ में उसके पिछले 5 साल या 10 साल का मीडियन PE रेशियो को कंसीडर करना चाहिए। मीडियन PE से हमें ये पता लगता है कि क्या स्टॉक प्रेजेंटली अपनी मीडियन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली फेयरली प्राइस है, ओवर वैल्यूड है
या फिर अंडर वैल्यूड है। अगर स्टॉक अपने मीन पीई से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो करंटली स्टॉक ओवर वैल्यूड है और बाद में ये अपने मीन को पकड़ लेगा, और अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं। हम वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर जाकर रिलायंस इंडस्ट्री को अगर देखें, इसकी वैल्यूएशन सेक्शन में कंपनी का मीडियन पी आज की डेट में 13.7 का है, प्रेजेंटली 24.6 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हाईएस्ट के करीब है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में रिलायंस इंडस्ट्री अभी काफ़ी ओवर प्राइस चल रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। चौथे नंबर पर प्राइस टू बुक रेशो है, जिसे पीबी की रेशो भी कहा जाता है। पी रेशो की तरह प्राइस टू बुक रेशियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन मल्टीपल है जिसे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। पीबी रेशो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू के कितने मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। मीडियन प्राइस टू बुक से भी हमें ये पता लगा सकते हैं कि क्या स्टॉक अपनी पास्ट प्राइस टू बुक के मल्टीपल के अकॉर्डिंगली फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। मीडियन प्राइस टू बुक को चेक करने के लिए हम वैल्यू रिसर्च के वैल्यूएशन सेक्शन को यूज कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के मीडियन प्राइस टू बुक को देखेंगे तो वो 1.64 के करीब है और करंटली ये 1.93 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री प्राइस टू बुक के मल्टीपल को भी एक्सीड कर रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर। इसे हम सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस भी कहते हैं, जिससे हम किसी सेक्टर के सभी स्टॉक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हम कंपनी की पीई रेशियो को उसके पीयर्स की पीई रेशियो से कंपेयर कर देख सकते हैं कि क्या कंपनी अपने पीयर से ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है या नहीं। दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर हम प्री आईपीओ स्टॉक रिलायंस रिटेल, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल चेन है, का कंपैरिजन उसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर एवेन्यू सुपरमार्ट या ट्रेंड से करें, तो हम पाएंगे कि उसकी पीई एवरेज पीई के अराउंड ही है और ये उसी के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक फेयर वैल्यूड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर प्राइस टू बुक रेशियो आती है। पीई रेशियो की तरह प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यानी पीबी रेशियो भी एक वैल्यूएशन मल्टीपल है जिसे इन्वेस्टर काफी यूज करते हैं। कंपनी के पीबी रेशियो को हम उसके पीयर के पीबी रेशियो से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। ये पीबी रेशियोज स्पेशली बैंक और एनबीएफसी के लिए बेहद ही एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं, जहां पर पीई रेशियो के कंपैरिजन को करना सही समझा नहीं जाता। पीबी रेशियोज को हम बाकी इंडस्ट्रीज और बाकी सेक्टर कंपनीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगेन, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार हम अपने प्री आईपीओ स्टॉक मोहन मैकिन की बात करेंगे। अगर मोहन मैकिन का कंपैरिजन हम अल्कोहल सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनियों के साथ कर देखते हैं, तो ये हम पाएंगे कि मोहन मैकिन इस समय एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने पीयर के कंपैरिजन में अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर मार्केट कैप टू सेल्स की रेशियो आती है। थर्ड पॉइंटर, जो कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट कैप टू सेल्स है। पहले मार्केट कैप को समझते हैं। मार्केट कैप यानी कि कंपनी का टोटल मार्केट साइज अभी कितना है। मार्केट कैप निकालने के लिए हमें स्टॉक प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि क्या कंपनी की मार्केट कैप उसकी मार्केट रीच यानी सेल के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है या नहीं। किसी भी कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स की रेशियो को उसके पीयर से कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी अपने पीयर से कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अगेन रिलायंस रिटेल का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो उसके पीयर ग्रुप एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंड से करें, तो ये हम नोटिस करेंगे कि कंपनी
काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों हमारा लास्ट इंडिकेटर ईवी बाय एबिटा है, ये भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईवी का मतलब एंटरप्राइज वैल्यू होता है, जो कि कंपनी की टोटल वैल्यू का एक मेजर है, जिसमें कंपनी की मार्केट कैप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स और कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस इंक्लूड किया जाता है। कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपनी की मार्केट कैप में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को ऐड करना होता है और उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करना रहता है। एबिटा निकालने के लिए हमें कंपनी की अर्निंग्स बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। इस कंपैरिजन से अगेन हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी अपने पीयर से कैसे कंपैरेटिवली वैल्यूड है। दोस्तों इसे एक एग्जांपल की तौर से फिर से समझते हैं। अगर हम मोहन मैकिन का कंपैरिजन उसके पीयर ग्रुप की कंपनीज के साथ करें तो हम ये पाएंगे कि इसकी ईवी बाय एबिटा काफी अंडर वैल्यूड है एवरेज ईवी बाय एबिटा से, और उससे ये शेयर काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में अक्सर जो आम लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन। जो नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से आते हैं, वो किसी स्टॉक में एंटर करने के बाद मार्केट के डेली मूवमेंट्स और वॉलेटिलिटी की वजह से एक स्पेकुलेटर बन जाते हैं। वो कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टॉक्स खरीदने और बेचने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। दूसरे नंबर पर हाई एक्सपेक्टेशन है। इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें 100% या 200% के रिटर्न्स हर साल मिलने चाहिए, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाना इक्विटी मार्केट में गलत है। इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल असेट क्लास है, जबकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी किसी भी असेट क्लास से अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आप इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि ऐसे रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में मिलना काफ़ी मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में मार्केट के किसी एक मूवमेंट के बीच में आपको ऐसा रिटर्न आ सकता है, बट जनरली शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक आइडियल इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन यानी महंगाई को आउट परफॉर्म करने की होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर गेम ऑफ प्रिडिक्टिंग आती है। स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी मार्केट्स में कुछ प्रिडिक्ट करने की आप कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएंगे कि आप गलत साबित हो रहे हैं। फोर्थ नंबर पे हाइंडसाइट बायस है। एक और गलती जो इन्वेस्टर मोस्टली मार्केट्स में करते हैं वो है हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ह्यूमन ब्रेन डिजाइन ही इसी चीज़ के लिए हुआ है। इस थ्योरी को हाइंडसाइट बायस कहा जाता है, जो कि इक्विटी मार्केट में हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ कमिटेड रहना चाहिए लंबे समय के लिए। फिफ्थ नंबर पर एलोकेशन है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी 100% कैपिटल इक्विटी में एलोकेट नहीं करता। एक इन्वेस्टर को हमेशा अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है या डिफेंसिव इन्वेस्टर। अग्रेसिव इन्वेस्टर के ओवरऑल पोर्टफोलियो का 70-80% ही इक्विटीज़ में होना चाहिए और 20% डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को लेस देन 50% कैपिटल इक्विटी में इन्वेस्ट करनी चाहिए और बाकी की इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। सिक्स्थ नंबर पर बेटिंग ऑन टिप्स है। किसी के द्वारा दी गई टिप पे इन्वेस्ट करना एक ऐसी गलती है जो कभी ना कभी हम सब ने करी ही होगी, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम ये गलती कभी नहीं कर सकते। एक वैल्यू इन्वेस्टर को हॉट स्टॉक या टिप ऑफ द डे कहे जाने वाले स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी होगी और अपनी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी पे ही ट्रस्ट करना होगा। सेवंथ नंबर पर स्मॉल डिफरेंसेस इन प्राइसेस है। जब किसी स्टॉक को किसी लेवल पर बाय करना चाहिए और मार्केट प्राइस में मामूली सा अंतर हो तो हमें अननेसेसरी वेट करके उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए
वॉरेन बफे का एक कोट हमेशा याद रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब अगर हम किसी स्टॉक के प्राइस में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं और उसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है तो हमें रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उस स्टॉक में एंट्री उसके फेयर वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे की है। दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक के लिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे कर रहे हैं तो हमें अच्छी वैल्यू को अनलॉक कर पाएंगे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी IPOs में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि IPOs में प्राइसेस हमेशा एक प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं मर्चेंट बैंकर के द्वारा, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक्स को IPO में आने से पहले प्राइवेट इक्विटी मार्केट में खरीद सकता है, और जब स्टॉक IPO में इशू हो तो उसे लिस्टिंग के बाद सेल कर सकता है जब रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को काफ़ी ऊपर ले जाएं। हमने रिटेल इन्वेस्टर के लिए प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया प्रोडक्ट प्री IPO लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जिसमें इन्वेस्टर्स IPO से कहीं पहले ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हों और जिसमें वो आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं चार ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स की जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमेशा कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले आता है टेम्परमेंट। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और टेम्परमेंट बनाए रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही फेमस कोट है, बाय द फियर सेल द ग्रीड, यानी एक इन्वेस्टर को हमेशा स्टॉक तभी बाय करने चाहिए जब सब फियर में पैनिक सेलिंग कर रहे हों, और स्टॉक तब सेल करने चाहिए जब सब ग्रीडी होकर और बिना सोचे समझे स्टॉक्स को बाय कर रहे हों। इस कोट के पीछे की साइकोलॉजी की वजह से ही आप देखेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा रिसेशन के टाइम में काफ़ी सारे स्टॉक्स बाय कर रहे होते हैं। जैसे कि 2008 और 9 के क्रैश में दो इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया और आने वाले टाइम में बहुत मुनाफा कमाया, वो थे वॉरेन बफे और हॉवर्ड मार्क्स। दूसरे नंबर पर आता है मैनेजमेंट क्वालिटी। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बिजनेस मॉडल और गुड कैश फ्लो वाली कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि एक क्वालिटी और इफेक्टिव मैनेजमेंट की पहचान होती है। थर्ड नंबर पर आता है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकिल। वैल्यू इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट और स्पेसिफिक सेक्टर की साइकिल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ऐसे पैरामीटर्स पता होने चाहिए जो हमें मार्केट सेंटिमेंट को गॉज करने के लिए हेल्प कर सकें। फोर्थ पर आती है लॉन्ग टर्म। जब हम किसी स्टॉक को वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे पिक करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम जैसा मूव स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हों वैसा मूव स्टॉक मार्केट में ना आए। ऐसे सिचुएशन में वैल्यू इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वैल्यू और प्राइसेस हमेशा कन्वर्ज करते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को हमेशा मैच करेंगे। दोस्तों, ये आपने 2000 के क्राइसिस में भी देखा होगा, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे आ गई और आगे चलकर मल्टी बैगर साबित हुई, जिसमें बजाज फाइनेंस, रिलैक्सो फुटवेयर, आइशर मोटर्स, सिम्फनी जैसी कंपनीज मौजूद हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हमने आपके साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook, LinkedIn और सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स में भी ज़रूर दें। आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि किन टॉपिक्स पर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। आप दोस्तों हमारी हेल्प से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.planify.in के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, Planify के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूँ। तब तक Planify के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और जिंदगी को संवारें, और प्री IPO स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री IPO परफेक्ट है।